रावण है वो रावण। पीने की कैपेसिटी, जीने की स्ट्रेंथ, अकाउंट का बैलेंस। कहां कहां कर रहे हैं एक्ट्रेस फिल्म का प्रमोशन? किस मूवी की रीमेक है ये फिल्म? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म बच्चन पांडे के बारे में तो आप सब ने सुन ही लिया होगा। इस मूवी में हमें अक्षय कुमार नेगेटिव रोल करते दिखने वाले हैं। अक्षय ज्यादातर नेगेटिव रोल करना पसंद नहीं करते। इसके पहले ये चार मूवीज खिलाड़ी 420, ब्लू, अजनबी और 2.0 में नेगेटिव रोल करते दिखाई दिए थे। आखिर अक्षय क्यों माने इस रोल के लिए? जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि उन्होंने इस रोल के लिए क्यों हाँ की, तो अक्षय ने बताया कि उनको इस मूवी की स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग लगी और बच्चन पांडे का रोल भी काफी अच्छा और उनकी बाकी फिल्मों से अलग लगा। इस फिल्म में वो नेगेटिव रोल तो करेंगे, लेकिन इसमें भी इनका एक विलन होगा जिसका रोल अभिमन्यु सिंह करने वाले हैं। अभिमन्यु ने इससे पहले भी कई तमिल मूवीज में विलन का रोल किया है, जिसको ऑडियंस ने भी खूब पसंद किया था। बच्चन पांडे को अब रिलीज होने में ज्यादा टाइम नहीं रह रहा है। ये मूवी 18 मार्च को थिएटर में रिलीज हो जाएगी और अब इस मूवी की शूटिंग भी खत्म हो गई। इस फिल्म के कई गाने भी रिलीज कर दिए गए हैं जिन्हें ऑडियंस ने बहुत पसंद किया। अब इस फिल्म के तीनों लीड एक्टर अक्षय कुमार, जैकलिन फर्नांडिस और कृति सेनन इस फिल्म के प्रमोशन में बिजी हैं। एक्ट्रेस के लिए किसी भी फिल्म की प्रमोशन करना बहुत जरूरी होता है ताकि वो ऑडियंस से कनेक्ट कर पाए और ऑडियंस उनकी मूवी जरूर देखें। फिल्म के एक्ट्रेस काफी जगह फिल्म को प्रमोट करते हुए स्पॉट भी हुए हैं। इन्होंने मुंबई के कई लोकेशंस पे अपनी फिल्म को प्रमोट किया है, और सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि ये एक्ट्रेस दिल्ली में भी फिल्म को प्रमोट करते हुए स्पॉट किए गए थे। एक्ट्रेस ने रेलवे स्टेशन पे भी जाके अपनी फिल्म की प्रमोशन की थी। इस मूवी की प्रमोशन काफी जगह की जा रही है। बच्चन पांडे मूवी का ट्रेलर काफी पहले रिलीज हो चुका है और अब ये मूवी भी जल्द ही रिलीज होने वाली है। ट्रेलर देख के तो मूवी की स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग नजर आ रही है। आपको बता दें कि ये मूवी 2014 की तमिल मूवी जिगर ठंडा से इंस्पायर्ड है। कुछ लोगों को लग रहा है कि बच्चन पांडे इस मूवी की रीमेक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस मूवी की स्टोरी काफी सिमिलर है बट बिल्कुल सेम नहीं है। जिगर ठंडा मूवी भी खुद एक साउथ कोरियन मूवी से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई थी। ये मूवी 2004 में आई साउथ कोरियन मूवी डर्टी कार्निवल से काफी मिलती जुलती थी। ये मूवी कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी। अब हम ये उम्मीद लगा सकते हैं कि बच्चन पांडे भी एक कॉमेडी फिल्म होने वाली है जिसमें हमें बहुत सारा एंटरटेनमेंट देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं बच्चन पांडे के लिए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़।